आ गई हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त। आप सब लोग जानते हैं आपका फेवरेट शो मेरे डैड की दुल्हन। हाँ दोस्तों, मेरे डैड की दुल्हन की शूटिंग रुक गई है। हाँ दोस्तों, मेरे डैड की दुल्हन की शूटिंग रुक गई है क्योंकि उस सीरियल की मेन लीड यानी कि आप सबकी फेवरेट दोस्तों, आप सबकी फेवरेट ब्यूटीफुल गुड लुकिंग प्रीटी, हाँ दोस्तों, आप सबकी फेवरेट ब्यूटीफुल गुड लुकिंग प्रीटी गुनीत यानी कि आप सबकी श्वेता, हाँ दोस्तों, आप सबकी श्वेता तिवारी को हो गया है कोरोना। हाँ दोस्तों, श्वेता तिवारी को हो गया है कोरोना और वो निभा रही है मेरे डैड की दुल्हन में एक बहुत अहम किरदार। दोस्तों वो निभा रही है मुख्य किरदार। हाँ दोस्तों, और गुनीत, आप सबके गुनीत को हो गया है कोरोना और इसलिए कुछ दिनों के लिए रोक दी गई है दोस्तों मेरे डैड की दुल्हन की शूटिंग। हाँ दोस्तों, ये है ब्रेकिंग न्यूज़। आप लोगों को पता ही है दोस्तों, मेरे डैड की दुल्हन में गुनीत का मुख्य किरदार है जो निभा रही हैं श्वेता तिवारी। दोस्तों श्वेता तिवारी को कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत ख़राब लगी। हाँ दोस्तों, उन्हें उनकी तबीयत ख़राब लगी, उन्हें खांसी हुई, उन्हें जुकाम हुआ और थोड़ा सा फीवर भी हुआ दोस्तों। जब श्वेता ने ये सारे सिम्टम देखे तो उन्होंने कराई उनकी कोरोना टेस्ट और दोस्तों वो रिपोर्ट निकल गई कोरोना पॉजिटिव और श्वेता तिवारी को पता चला कि वो हो गई हैं कोरोना पॉजिटिव। तब से उन्होंने दोस्तों सेट पर आना बंद कर दिया और सेट पे जो भी उस टीम के उनके मुख्य किरदार हैं दोस्तों वरुण बडोला, उन्होंने भी कराया है कोरोना टेस्ट। सेट पर अफरा तफरी मच गई दोस्तों और सेट पर सब लोग ही परेशान हो गए। जो उस सेट पर वरुण बडोला जो गुनीत के पति बनने वाले हैं, उन्होंने भी कराया है कोरोना टेस्ट और जो गुनीत जो वरुण बडोला की बेटी बनती हैं दोस्तों, उन्होंने भी कराया है कोरोना टेस्ट और जो गुनीत की मम्मी बनती हैं दोस्तों, उन्होंने भी आया है कोरोना टेस्ट। हाँ दोस्तों, जैसे ही श्वेता तिवारी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली, सेट पर मच गई हड़कंप दोस्तों। सब लोग हो गए परेशान, जहाँ पर एक तरफ उन्हें सीरियल की शूटिंग बंद होने का दुख था क्योंकि दोस्तों ये गाइडलाइन के हिसाब से बताया गया है कि अगर सीरियल का कोई भी आर्टिस्ट या कास्ट एंड क्रू में से भी दोस्तों कोई भी अगर कोरोना, हाँ दोस्तों, तो श्वेता तिवारी हो गई कोरोना पॉजिटिव और सेट पे ये नियम है कि जब भी कोई भी कास्ट एंड क्रू का मेंबर को अगर कोरोना हो जाए तो शो की शूटिंग रोक दी जाती है दोस्तों कुछ दिनों के लिए। और जहाँ पर सितारों को एक तरफ श्वेता तिवारी की चिंता थी, वहीं पर उन्हें खुद की भी चिंता थी कि उनकी रिपोर्ट क्या आएगी और क्या नहीं आएगी। हाँ दोस्तों, और जो भी एक्टर्स और क्रू मेंबर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं दोस्तों और घर जाते हैं तो उन्हें भी कोरोना, उनका भी, उनकी फैमिली मेंबर का भी टेस्ट कराना पड़ता ही है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो श्वेता तिवारी जो शो की मेन लीड है, उन्हें हो गया कोरोना। हाँ दोस्तों, और वो हो गई कोरोना पॉजिटिव और उसी टीम के सारे मेंबर ने, वरुण बडोला ने और उनकी जो बेटी बनी है, उन्होंने, श्वेता की जो मम्मी बनी है, उन सब ने कराया है दोस्तों कोरोना का टेस्ट। फिर दोस्तों हमारी टीम की श्वेता से बात हुई कि श्वेता, अब आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसा फील कर रही हैं? तो दोस्तों श्वेता ने बताया है कि श्वेता तिवारी अभी, उनकी तबीयत स्टेबल है, वो दिन में तीन बार गर्म पानी पी रही है दोस्तों। हाँ दोस्तों, वो दिन में कई बार गर्म पानी पी रही है, वो हो चुकी है होम क्वारंटाइन। हाँ दोस्तों, वो हो चुकी है होम क्वारंटाइन। और श्वेता तिवारी के, जो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, दो बच्चे हैं। हाँ दोस्तों, तो श्वेता तिवारी ने बताया है कि वो हो चुकी है होम क्वारंटाइन और उनके दो बच्चे हैं दोस्तों। एक जो उनके दूसरे पति से हुआ है दोस्तों, यानी कि उनके दूसरे पति अभिनव कोहली से, जो उनका बेटा है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों,
उनके बेटे का नाम है रियांश। रियांश है दोस्तों श्वेता तिवारी के और अभिनव कोहली जो उनके दूसरे पति हैं उनके बेटे का नाम। और उनकी एक और बड़ी बेटी भी है दोस्तों जो है उनके पहले पति से उनकी बेटी है दोस्तों जिनका नाम है राजा चौधरी की वो बेटी हैं और श्वेता तिवारी की वो बेटी हैं दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों पलक। हाँ दोस्तों पलक तिवारी। और श्वेता तिवारी जब होम क्वारंटाइन हो चुकी हैं वैसे तो श्वेता कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक है वो स्टेबल है और उन्हें कोई खासा तकलीफ़ नहीं है वो जल्दी ही होम क्वारंटाइन रहेंगी और जल्दी ही शूटिंग पर वापस लौटेंगी। पर ऐसे में श्वेता तिवारी अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहती क्योंकि श्वेता तिवारी चाहती हैं हर माँ की तरह भी कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें स्वस्थ रहें। तो श्वेता तिवारी ने दोस्तों उनके बच्चों को जो उनका छोटा बेटा है जो 2 या 3 साल का है दोस्तों जिसका नाम है रियांश उसे और उनकी बड़ी बेटी पलक तिवारी हाँ दोस्तों जिसने अभी अभी में एक मूवी में भी आपने देखा है जिसके मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है दोस्तों पोस्टर लॉन्च हुआ है वो उन दोनों बच्चों को दोस्तों श्वेता तिवारी ने अपनी बड़ी बेटी पलक तिवारी को और जो अभिनव कोहली जो उनके दूसरे पति से जो उनका बेटा है दोस्तों जिसका नाम है रियांश उन दोनों को उनके पहले पति के हाँ दोस्तों उनके पहले पति के यहाँ पर भेज दिया है। यानी कि श्वेता तिवारी ने अपने दूसरे बेटे को यानी के रियाश को और पलक तिवारी को उनके पहले पति के यहाँ भेज दिया है राजा चौधरी के यहाँ भेज दिया है। हाँ दोस्तों क्योंकि श्वेता तिवारी नहीं चाहती हैं कि उनके बच्चों को भी कोरोना हो जाए। हाँ दोस्तों श्वेता तिवारी को तो कोरोना हो ही चुका है और श्वेता तिवारी इस कोरोना से अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती हैं दोस्तों इसलिए श्वेता तिवारी ने उनका छोटा बेटा रियांश जो अभिनव कोहली से हुआ है और उनकी बड़ी बेटी जो राजा चौधरी की बेटी है दोस्तों उन दोनों को उनके उनके पहले पति यानी कि उनके फर्स्ट हस्बैंड जो फर्स्ट एक्स हस्बैंड है दोस्तों यानी कि राजा चौधरी के घर भेज दिया है ताकि वो दोनों बच्चे कोरोना से सुरक्षित रहें। हाँ दोस्तों तो ये कहना है श्वेता तिवारी का। और श्वेता तिवारी ने कहा है कि हमने उनसे पूछा हमारी टीम ने कि आपकी तबीयत कैसी है तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत स्टेबल है वो बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं और दोस्तों वो दिन में 3-3 गिलास गर्म पानी पी रही हैं और उम्मीद है कि 1 अक्टूबर से हाँ दोस्तों उम्मीद ये है कि शायद फिर से जल्दी से इस सीरियल की शूटिंग शुरू हो जाएगी दोस्तों। हाँ दोस्तों श्वेता तिवारी शायद अक्टूबर में जल्दी ही सेट पर लौटेंगी क्योंकि वो तबीयत में अच्छी रिकवरी कर रही हैं। हाँ दोस्तों हमें भी यही उम्मीद है कि श्वेता तिवारी जल्दी से स्पीडी रिकवरी हो उनकी और वो जल्दी से मेरे डैड की दुल्हन के सेट पर लौट आए। हाँ दोस्तों और आप लोगों को आपकी गुनीत जो मेरे डैड की दुल्हन में जो उनका किरदार है वो श्वेता तिवारी करें और वापस आप लोगों को एंटरटेन करें। हाँ दोस्तों तो ये थी दोस्तों आज की खबर कि श्वेता तिवारी को हो चुका है कोरोना और अब यही उम्मीद है कि उनकी जल्दी से स्पीडी रिकवरी हो ताकि वो मेरे डैड की दुल्हन के सेट पर लौट आए। हाँ दोस्तों हमने आपको बताया कि श्वेता तिवारी के अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए उनके दोनों बच्चों को यानी कि उनका छोटा बेटा रियांश जो 3 साल का है और उनकी बड़ी बेटी पलक जो दोनों को उनके पहले एक्स हस्बैंड के घर पे भेज दिया है दोस्तों यानी कि राजा चौधरी के घर पे भेज दिया है ताकि उनकी बेटी और बेटा सुरक्षित रह सके। हाँ दोस्तों तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों तो तब तक मैं चलती हूँ आप लोगों के लिए और भी मज़ेदार और भी चुटकीदार और भी एंटरटेनिंग खबरें लाने। तब तक के लिए दोस्तों मैं चलती हूँ और आपके लिए लाती हूँ नई नई खबरें। तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करो और वीडियोस को शेयर करो। बाय बाय दोस्तों साइनिंग ऑफ।